फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है एक स्क्वायर शेप में नजर आ रही है, कुछ इस तरह की शेप इनकी हथेली की, जो यहां पर इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और साथ ही साथ अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो मीडियम लेंथ में इनकी फिंगर्स हैं, या थोड़ी सी शॉर्ट लेंथ इनको मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि यहां पर बृहस्पति फिंगर इनकी शॉर्ट नजर आ रही है और इवन इनकी मर्करी फिंगर भी थोड़ी शॉर्ट लेंथ में नजर आ रही है। इस तरह की फिंगर्स के नेटिव थोड़े से जल्दबाज नेचर के होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं इनकी फिंगर्स के ऊपर काफी सारी सीधी खड़ी रेखाएं भी मौजूद हैं। इस तरह की सीधी खड़ी रेखाएं अगर फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो नेटिव की जो पर्सनैलिटी रहती है काफी मिलनसार होती है। ऐसे व्यक्ति अपने रिलेटिव्स के साथ सोसाइटी में बहुत अच्छे से पेश आते हैं, लेकिन अगर इसके साथ साथ आड़ी रेखाएं भी मौजूद हों जो यहां पर कुछ नजर आ रही हैं इस तरह की, तो नेटिव के भीतर अग्रेशन भी काफी ज्यादा रहता है। और एक चीज देखने वाली है, इनकी मर्करी फिंगर और इनकी सूर्य फिंगर के बीच में बनने वाला गैप जो यहाँ पर काफी ज्यादा नजर आ रहा है इंडिकेट करता है एक इंडिपेंडेंट टाइप की नेचर को। ऐसे व्यक्ति थोड़े से जिद्दी स्वभाव के होते हैं, मनमर्जी के मालिक होते हैं और थोड़ी सी रिबिलियन टाइप की पर्सनैलिटी ऐसे नेटिव की रहती है जिनकी इन दोनों फिंगर्स के बीच में फेयर गैप नजर आए। बात करते हैं फिंगर्स की लंबाई की, तो आप देख सकते हैं इनकी सूर्य फिंगर काफी अच्छी लेंथ में है। सूर्य फिंगर की लंबाई को अगर हम कंपेयर करें बृहस्पति फिंगर से तो ज्यादा है। इस वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज, क्रिएटिव क्वालिटीज ऐसे नेटिव के भीतर अधिक रहती हैं, और साथ ही साथ ऐसे नेटिव रिस्क टेकर और एडवेंचरस टाइप के होते हैं, लाइफ में रिस्क लेने से बिल्कुल नहीं घबराते ऐसे व्यक्ति, और कई बार तो अपने धन को इन्वेस्ट करने के मामले में भी रिस्क ले बैठते हैं और अपने पैसों को, अपने धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस के चांसेस भी इक्वल हों। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे शेयर मार्केट है, म्यूचुअल फंड्स हैं, क्रिप्टो करेंसीज हैं, ऐसी जगहों पर भी अपने धन को इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस फिंगर की लंबाई अच्छी होने से नेटिव को और भी फायदे रहते हैं, क्रिएटिव माइंडेड रहता है ऐसा नेटिव, आर्टिस्टिक रहता है, एक अच्छा सोशल सर्कल सोसाइटी में बना पाता है अपनी इस फिंगर की लंबाई की वजह से। शनि फिंगर की बात की जाए तो काफी अच्छी लेंथ में शनि फिंगर, शनि माउंट फ्लैट होता हुआ इंडिकेट करता है मेहनती नेचर को। ऐसे नेटिव हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले होते हैं और अपनी इस क्वालिटी की वजह से लाइफ में काफी अच्छी तरक्की पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी जुपिटर फिंगर की, यहां पर आप देख सकते हैं गुरु की उंगली थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई जिस वजह से लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सी कमी आ जाती है और ऐसे नेटिव को अपनी फैमिली से भी दूर रहना पड़ सकता है। अपनी जॉब के सिलसिले में या अपनी स्टडीज के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति को प्रवास करना पड़ सकता है। और बात करते हैं इनकी मर्करी फिंगर की, मर्करी फिंगर थोड़ी सी शॉर्ट होती हुई और मर्करी फिंगर हल्की सी लो सेट यहां पर नजर आ रही है, साइज में थोड़ी सी शॉर्ट, जिस वजह से कम्युनिकेशन स्किल्स नेटिव के एवरेज लेवल के रहते हैं। और साथ ही साथ इस फिंगर का लो सेट होना दर्शाता है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी शाई रह सकती है, थोड़ा सा शर्मीला स्वभाव, हेजिटेशन वाला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का होने की संभावना रहती है। चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद इनकी सभी रेखाओं को भी चेक करेंगे, सभी चिन्ह जो इनके हाथ में नजर आते हैं उनको भी यहां पर देखेंगे। तो अगर मैं एक लाइन यहां पर ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक लाइन बन रही है जिसमें आप देख सकते हैं इनके ये दोनों माउंट, सूर्य माउंट और शनि माउंट काफी हाई सेट हैं, इवन इनका बृहस्पति माउंट भी काफी अच्छा नजर आ रहा है, लेकिन यह माउंट हल्का सा लो सेट होता हुआ जो इंट्रोवर्ट टाइप की नेचर इनको देगा, शाई नेचर देगा, लेकिन साथ ही साथ यह माउंट उभरा हुआ भी है। इस माउंट के ऊपर काफी सारी रेखाएं भी नजर आ रही हैं। इस माउंट के ऊपर सीधी खड़ी रेखाओं का होना
व्यक्ति को सिंपैथेटिक नेचर देता है। ऐसी रेखाएं अगर इस माउंट के ऊपर हों, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं खड़ी रेखाएं, और उसके साथ साथ अगर इस माउंट के नीचे जो मरकरी की तरफ बढ़ने वाली रेखाएं हैं वो भी मौजूद हों, जैसे आपको यहां पर ड्रॉ करके दिखाना चाहूंगा, इस तरह की रेखाएं अगर ऊपर की तरफ नेटिव के हाथ में जा रही हों और इस माउंट के ऊपर खड़ी रेखाएं हों, तो व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन स्ट्रांग रहता है। बिजनेस करने की काबिलियत ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी आ जाती है। बेशक कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़े से वीक रह सकते हैं, शाई नेचर रह सकती है, लेकिन हीलिंग पावर्स ऐसे व्यक्ति के भीतर होती है। दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने की, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कैपेसिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छी होती है। और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की आड़ी रेखाएं जो यहां पर लगभग एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बना रही हैं। आपको बताना चाहूंगा गर्डल ऑफ वीनस किस तरह से बनता है। गर्डल ऑफ वीनस सूर्य माउंट और शनि माउंट के नीचे अगर एक इस तरह से एक पूरा अर्ध गोलाकार कृति, अर्ध चंद्रमा की कृति बन जाए, तो इसको पार्शियल गर्डल, इसको गर्डल ऑफ वीनस कहते हैं। और अगर इस तरह की रेखाएं मौजूद हों जो इस तरह की गोलाकार कृति बनाए और इस साइड पर भी ऐसी कोई रेखा हो, तो यह एक पार्शियल गर्डल ऑफ वीनस होता है, जिस वजह से नेटिव थोड़े से मूडी स्वभाव का हो सकता है, मूडी टाइप की नेचर ऐसे व्यक्ति की रहने की संभावना रहती है। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सूर्य माउंट काफी प्रोमिनेंट है, सूर्य फिंगर लंबी है, यहां पर सूर्य माउंट की तरफ चलने वाली कुछ रेखाएं और इवन सूर्य माउंट के ऊपर भी कुछ ऐसी रेखाएं मल्टी टैलेंटेड बनाती हैं व्यक्ति को। ऐसे व्यक्ति के भीतर काफी अच्छा टैलेंट रहता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा कंफ्यूज्ड भी रहता है कि कौन से टैलेंट को आगे लेकर आना है और अपनी किस क्वालिटी के जरिए समाज में आगे नेम एंड फेम पाना है। इस चीज की कंफ्यूजन जरूर रह सकती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति अपने टैलेंट्स की वजह से लाइफ में काफी अच्छी पहचान सोसाइटी में बना लेता है। तो यहां पर सूर्य इनका स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर हम बात करें शनि की, शनि माउंट यहां पर हल्का सा फ्लैट और दबता हुआ, और शनि रेखा की बात की जाए तो शनि रेखा इनके हाथ में काफी अच्छी मौजूद है, जिस वजह से लाइफ में बाहरी लोगों की सपोर्ट ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी मिलती है। और आप देख सकते हैं इनकी शनि रेखा यहां से नीचे से चलती हुई और कुछ इस तरह की एक लंबी शनि रेखा इनके हाथ में, और इवन शनि माउंट पर कुछ ऐसी खड़ी रेखाएं इनके हाथ में मौजूद हैं जो इस एरिया में इंडिकेट करती हैं कि इवन ओल्ड एज में भी इनके जो इनकम के सोर्सेज हैं एक से अधिक रहेंगे, काफी अच्छी इनकम यह जनरेट करते रहेंगे। और जब भी कोई रेखा इस तरह की चंद्र एरिया से आकर इस रेखा में ऐड होती है, जैसे यहां पर नजर आ रही है, ऐसी रेखा व्यक्ति को भारी सपोर्ट दिलवाती है, इवन अपनी इन लॉज की तरफ से नेटिव को सपोर्ट मिलती है, इवन अपने पार्टनर से भी ऐसे व्यक्ति को काफी अच्छी मॉरल सपोर्ट भी मिलती है। तो साथ साथ यहां पर चंद्र माउंट पर ऐसी रेखाएं जो ऊपर की तरफ चलती हैं विदेश यात्रा को इंडिकेट करती हैं। ऐसा व्यक्ति विदेश जाता है, फॉरेन से धन कमाता है और काफी ट्रैवलिंग ऐसे नेटिव की लाइफ में रहती है जिनके चंद्र माउंट पर ऐसी काफी सारी रेखाएं मौजूद हों या कोई रेखा आकर चंद्र माउंट से भाग्य रेखा में जुड़ जाए, तो ऐसे व्यक्ति की लाइफ में फॉरेन ट्रैवल के चांसेस काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। आगे आप देख सकते हैं बृहस्पति माउंट को थोड़ा सा वीक होता हुआ, लेकिन एक गुरु वलय का चिन्ह यहां पर बनता हुआ, इस तरह का यह चिन्ह आप देख सकते हैं। यह अगर पूरी तरह से कंप्लीट हो तो पूरी तरह से यह ऐसा अर्ध चंद्रमा का एक चिन्ह अगर किसी व्यक्ति के हाथ में बन जाए तो ऐसा नेटिव बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाता है। एक तरह से इसको दीक्षा रेखा का नाम भी दिया जाता है। और ऐसे नेटिव अकेलापन पसंद करते हैं और सोशल वर्क करना, धर्म कर्म के काम करना और काफी ज्यादा धार्मिक हो जाना मिडिल एज के बाद इनका स्वभाव हो सकता है। तो यहां पर भी कुछ ऐसी नेचर इनकी रहने की संभावना रहेगी, स्पिरिचुअलिटी इनके भीतर काफी अच्छी रहने वाली है। उसके साथ साथ अगर इनके गुरु माउंट को देखा जाए तो बृहस्पति माउंट के ऊपर स्क्वायर का चिन्ह बनता हुआ, जिसकी वजह से नेटिव की फैमिली लाइफ प्रोटेक्टेड रहती है, जो समाज में मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वो नेटिव को मिलती है जब इस तरह के चिन्ह इस बृहस्पति माउंट के ऊपर बनते हों। अब बात करते हैं इनके इनकी हार्ट लाइन की। आप देख सकते हैं काफी अच्छी हार्ट लाइन इस तरह से ऊपर की तरफ मुड़ती हुई, एक ब्रांच हार्ट की लाइन से मंगल की तरफ बढ़ती हुई। इस तरह की ब्रांच का मंगल की तरफ चलना व्यक्ति को अग्रेसिव नेचर का बनाता है, और एक कर्व्ड लाइन का होना, हार्ट लाइन का इस तरह से कर्व्ड होना दर्शाता है कि ऐसा नेटिव काफी केयरिंग नेचर का रहेगा, थोड़ी इमोशनल टाइप की नेचर रहने की भी संभावना है, और कुछ इमोशनल सेटबैक्स भी ऐसे नेटिव को मिलते हैं जिनकी हार्ट लाइन से इस तरह की नीचे की तरफ चलने वाली ब्रांचेस नीचे की तरफ जा रही हों। ओवरऑल हार्ट लाइन काफी अच्छी है, हार्ट की हेल्थ इनकी अच्छी रहने वाली है। बात करते हैं इनकी माइंड लाइन की। आप देख सकते हैं माइंड लाइन काफी अच्छी लंबाई में एक शार्प माइंड को इंडिकेट करती है। ऐसी लंबी मस्तिष्क रेखा आप देख सकते हैं यहां से शुरू होती हुई मस्तिष्क रेखा इस एरिया तक
और यहां से इनकी यह लाइफ लाइन चल रही है। आप देख सकते हैं इन दोनों रेखाओं में काफी बड़ा गैप नजर आ रहा है। इस तरह का गैप होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति थोड़े जिद्दी स्वभाव का रहेगा, मनमर्जी का मालिक होगा, लेकिन साथ ही साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बिल्कुल भी नहीं घबराता और छोटी एज से ही ऐसे नेटिव के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ भी जाती हैं। अब बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की, माइंड लाइन की काफी अच्छी नजर आ रही है। शार्प माइंड इनका रहने वाला है और काफी पुरानी बातों को याद रखने की क्षमता इनके भीतर रहेगी। और आप यहाँ पर देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ को, लाइफ की लाइन काफी अच्छे कर्व में, काफी अच्छी लेंथ में, लगभग 80 प्लस की एज को यह रेखा इंडिकेट करती हुई और यहां से एक रेखा इस तरह से फिश जैसा चिन्ह बनाती हुई। ऐसे व्यक्ति फॉरेन ट्रेवल्स करते हैं जिनके हाथ में ऐसा चिन्ह बनता है। फॉरेन ट्रेवल्स की रेखाएं तो और भी काफी ज्यादा इनके हाथ में, विदेश यात्राएं और सडन वेल्थ गेन्स ऐसे नेटिव को होते हैं लाइफ में जिनके हाथ पर केतु माउंट के ऊपर ऐसा चिन्ह बने और यह जो चिन्ह है व्यक्ति को इनहेरिटेड वेल्थ दिलवाने में भी हेल्पफुल रहता है। शुक्र माउंट की बात की जाए तो उभरा हुआ शुक्र माउंट हर तरह की सुख सुविधाएं व्यक्ति को देता है और शुक्र माउंट के ऊपर कुछ ऐसी रेखाएं जो बारीक आपको ऐसी आड़ी रेखाएं नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाओं का होना दर्शाता है कि कुछ वरीज फैमिली लाइफ से रिलेटेड नेटिव को परेशान कर सकती हैं। ओवरऑल शुक्र माउंट में कोई भी मेजर ड्रॉबैक नहीं है, कोई भी कमी नहीं है और चंद्र माउंट के ऊपर आड़ी रेखाओं का होना शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है। ऐसी छोटी छोटी रेखाएं अगर चंद्र माउंट के ऊपर होती हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम भी रह सकती है और यह रेखाएं व्यक्ति को काफी ज्यादा यात्राएं करवाती हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग ऐसे व्यक्ति की लाइफ में काफी रहती है और इसी के साथ साथ इस तरह की लंबी रेखाएं जब ऊपर की तरफ चलती हैं तो इन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए देखा जाता है। इट मींस कि जिनके हाथ पर दोनों तरह की रेखाएं मौजूद होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी लाइफ में काफी ट्रैवलिंग करता है लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी व्याकुलता, थोड़ी सी एंग्जाइटी ऐसे नेटिव की लाइफ में बनी रहती है। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।